देहरादून में 34 घंटों से पानी की टंकी पर डटे हैं रमसा कर्मचारी। अपनी मांगों को लेकर टंकी पर चढ़े हैं 5 रमसा कर्मचारी। सरकार की ओर से अभी तक कोई भी प्रतिनिधि उनसे मिलने नहीं पहुंचा है, उनसे बात करने नहीं पहुंचा है, जिसको लेकर रमसा कर्मियों में सरकार के खिलाफ जबरदस्त नाराजगी है। सीएम के कल के बयान के बाद भी रमसा कर्मचारी काफी नाराज हैं। तो आपको बता दें, टंकी पर चढ़े हुए हैं, पिछले 34 घंटों से पानी की टंकी पर रमसा कर्मचारी चढ़े हुए हैं, अपनी मांगों को रख रहे हैं, लेकिन कोई भी प्रतिनिधि उनसे मिलने नहीं पहुंचा है, जिसके बाद रमसा कर्मचारियों में आक्रोश है, रोष है, नाराजगी है। आपको बता दें कि नियुक्ति की मांग को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं रमसा कर्मचारी, और पानी की टंकी पर ही चढ़ गए और तब तक चढ़े रहने की बात कही जब तक इनको ठोस आश्वासन नहीं मिल जाता है। और 24 घंटे इन्हें बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई भी जो प्रतिनिधि है वो इनसे मिलने नहीं पहुंचा है, इनकी मांगों को मिलने सुनने नहीं पहुंचा है, जिसके बाद रमसा कर्मचारियों में काफी आक्रोश है, काफी गुस्सा है, और अभी भी टंकी पर चढ़े हुए हैं ये 5 रमसा कर्मचारी। बता रहे आपको कि अपनी मांगों को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। बता दें आपको, हमको देहरादून से उत्तराखंड कैबिनेट की अहम बैठक है, हरिद्वार के चुड़ियाला में यह बैठक होने वाली है। कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर फैसला हो सकता है इस बैठक में। दोपहर 2 बजे कैबिनेट की बैठक होगी। अर्धकुंभ की तैयारियों के खाके को अंतिम रूप दिया जाएगा। पेट्रोल और डीजल पर वैट बढ़ाने पर भी फैसला होगा। प्रदेश में एंट्री टैक्स को भी मंजूरी मिल सकती है। पानी के व्यावसायिक उपयोग पर सेंस लगाने पर भी फैसला लिया जाएगा। दोबारा 5-डे वीक लागू करने पर भी फैसला हो सकता है। आंदोलनकारियों के मुद्दे पर भी फैसला संभव है। क्षतिज आरक्षण पर भी फैसला हो सकता है। 1 रैंक 1 पेंशन पर भी प्रस्ताव भेजा जाएगा केंद्र सरकार को। गन्ना किसानों के बकाया भुगतान पर भी फैसला संभव है। क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट नियमावली में संशोधन संभव है। बेनामी संपत्ति एक्ट को मंजूरी मिलने की भी संभावना जताई जा रही है। तो आपको बता दें कि कैबिनेट की अहम बैठक दोपहर 2 बजे होनी है। चुड़ियाला गांव में बैठक होनी है। दोपहर 2 बजे बैठक होनी है, जिसमें तमाम अहम फैसलों पर चर्चा की जाएगी, जिसमें तमाम अहम प्रस्तावों पर मुहर लगाई जाएगी। आपको बता दें, जय जवान जय किसान के कॉन्सेप्ट पर इस बैठक में चर्चा की जाएगी, जहां 1 रैंक 1 पेंशन को लेकर केंद्र को प्रस्ताव भेजा जाएगा, तो वहीं गन्ना किसानों के भुगतान को लेकर भी चर्चा की जाएगी। कैबिनेट आज तमाम मुद्दों पर जो है चर्चा करेगी, इसके बाद कई अहम फैसले भी लिए जाएंगे, जिसमें से मुख्य फैसलों की अगर बात की जाए तो राज्य आंदोलनकारियों को 10% क्षतिज आरक्षण भी मिल सकता है। इसके साथ ही राज्य की आमदनी बढ़ाने के लिए पेट्रोल के वेट बढ़ाने और बिल्डरों पर जलकर और वाहनों पर एंटी टैक्स लगाए जाने पर भी जो है चर्चा की जा सकती है। इसके साथ ही प्रदेश में बेनामी संपत्ति जब्त करने और उसके लिए बनने वाले अधिनियम के प्रस्ताव पर भी चर्चा की जाएगी। इसके साथ ही सबसे महत्वपूर्ण अगर बात की जाए तो क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट बिल पर भी जो है चर्चा की जाएगी, उसमें भी संशोधन किया जा सकता है, क्योंकि लगातार जो स्वास्थ्य की अगर बात की जाए तो अस्पतालों की मनमानी के मामले भी आते रहे, इसको लेकर भी सरकार गंभीर नजर आ रही है। कैमरामैन रूपेश नेगी के साथ मैं सौरभ भाटिया, समाचार प्लस चुनियाला। और सौरभ भाटिया हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे बात करेंगे। सौरभ, कैबिनेट की बैठक होने वाली है, 2 बजे बैठक होगी, क्या आने का सिलसिला शुरू हो गया है कैबिनेट मंत्रियों का? देखिए, मैं आपको बता दूं कि प्राची कैबिनेट मंत्री लगातार आ रहे हैं अभी, हालांकि जो है क्योंकि 2 बजे का टाइम है तो धीरे धीरे मंत्रियों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। मुख्यमंत्री जो है 2 बजे तक पहुंचने की संभावना व्यक्त की जा रही है, तो मुख्यमंत्री के बाद जो है कैबिनेट शुरू होगी। कैबिनेट की बैठक में अहम फैसले होंगे, जैसे कि बात की जाए आंदोलनकारियों के 10% क्षतिज आरक्षण पर भी जो है फैसला होगा। इसके साथ ही जो क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट बिल की बात किया तो उस पर संशोधन किया जाएगा। इसके अलावा तमाम संपर्क हमारा फिलहाल टूट गया है सौरभ से, फिर से उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि दोपहर 2 बजे ये बैठक की जानी है, चुड़ियाला गांव में ये बैठक होगी, रुड़की के चुड़ियाला गांव में ये बैठक होगी। 2 बजे ये बैठक होगी, जिसमें तमाम अहम फैसले लिए जाएंगे, चाहे वो 1 रैंक 1 पेंशन को लेकर केंद्र को प्रस्ताव भेज रहा हो, चाहे वो प्रदेश में एंट्री टैक्स को भी मंजूरी मिल सकती है, पानी के व्यावसायिक उद्योग पर सेंस लगाने पर भी फैसला होगा, दोबारा 5-डे वीक लागू करने पर भी फैसला इस कैबिनेट में लिया जा सकता है, आंदोलनकारियों के मुद्दे पर भी फैसला संभव है इस कैबिनेट बैठक में, इसके अलावा क्षतिज आरक्षण पर भी फैसला लिया जा सकता है।
वन रैंक वन पेंशन पर भी केंद्र को प्रस्ताव भेजा जाएगा इस कैबिनेट की बैठक में। तो तमाम महत्वपूर्ण मुद्दों पर आज फैसला लिया जा सकता है। दोपहर 2 बजे से कैबिनेट की बैठक शुरू होगी। गन्ना किसानों के बकाया भुगतान को लेकर भी चर्चा की जाएगी। क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट नियमावली में संशोधन भी संभव है। बेनामी संपत्ति एक्ट को भी मंजूरी मिल सकती है, इसकी भी संभावना जताई जा रही है। तो कई महत्वपूर्ण ऐसे फैसले हैं जिन पर चर्चा की जाएगी। और सौरभ भाटिया हमारे संवाददाता एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सौरभ, चर्चा कर रहे थे कि क्या कुछ अहम मुद्दे होंगे जिन पर आज फैसला लिया जाएगा। देखिए प्राची, पहले ही जो है बताया कि 10% जो आंदोलनकारियों को नौकरी में क्षतिज आरक्षण मिलने की बात थी उस पर जो है चर्चा की जाएगी। इसके साथ ही गन्ना किसानों का जो बकाया भुगतान का मामला है उसके लेकर मुख्यमंत्री पहले ही गंभीर थे, क्योंकि मुख्यमंत्री ने पहले ही कहा था कि जो प्राइवेट मिल है वो उनका 50% तक जो है भुगतान करे, लेकिन अभी तक नहीं हुआ, लेकिन उस पर अब चर्चा होगी। इसके साथ ही जो होटल व्यवसाय है जो जलकर उन पर जो लगाया जाएगा, इसके साथ ही राज्य की आमदनी बढ़ाने के लिए पेट्रोल पर वैट बढ़ाया जाएगा। इसके अलावा अगर बात की जाए तो जो बाहर से आने वाले वाहन है उनको एंट्री जो देनी होगी तो उस पर भी चर्चा होगी। इसके साथ ही बात की जाए क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट बिल की, उस पर संशोधन किया जाएगा, क्योंकि लगातार उस पर विरोध भी हो रहा था। जो प्राइवेट क्लिनिक संचालक है उसका विरोध कर रहे थे, तो इसलिए सरकार उसमें संशोधन लाने की तैयारी कर रही है। और किसानों के नजरिए से अगर बात की जाए, चुड़ियाला गांव में जो कैबिनेट बैठक हो रही है वो काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। 2 बजे तक ये कैबिनेट शुरू होगी, उसके बाद ही जो है जो निर्णय होंगे, जो जिन मुद्दों पर जो चर्चा होगी, जिन बिंदुओं पर मोहर लगेगी सरकार की, वो तब पता लग सकेंगे। जी प्राची जी, बिल्कुल सौरभ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और उत्तराखंड की कांग्रेस सरकार और संगठन इन दिनों साल 2012 के अपने चुनावी घोषणा पत्र की समीक्षा करने में जुटी हुई है। कितनी घोषणाएं और वादे पूरे हुए और कितने अभी बाकी हैं, इसको लेकर संगठन के तेवर सख्त हैं। हालांकि सरकार का दावा है कि लगभग 70% घोषणाएं पूरी हो चुकी हैं, लेकिन क्या सच में ऐसा हो पाया है? बेशक विशेष रिपोर्ट। कहते हैं निर्वाचित सरकार के लिए उनका घोषणा पत्र, जिसमें वे जनता से वादे कर सत्ता की दहलीज तक पहुंचते हैं, उन्हें पूरा करना सरकार की जिम्मेदारी होती है। ऐसे में उत्तराखंड कांग्रेस ने वर्ष 2012 के अपने घोषणा पत्र पर कितना अमल किया उस पर मंथन करना शुरू कर दिया है, ताकि 2017 विधानसभा चुनाव में जाने से पहले अपना एजेंडा साफ साफ रखा जा सके। इसी बात को लेकर उत्तराखंड कांग्रेस ने मुख्यमंत्री और मंत्रियों से भी घोषणा पत्र को लेकर सवाल जवाब किया है। वहीं सरकार लगभग 70% घोषणाएं पूरा करने का दावा भी कर रही है। आपको बता दें कि 2002 से 2007 तक कांग्रेस की पहली निर्वाचित सरकार ने मात्र 32% और 2007 से 2012 तक की बीजेपी की सरकार ने अपने घोषणा पत्र की 29% घोषणाओं को ही पूरा किया था। पिछली रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए वर्तमान कांग्रेस सरकार अपने घोषणा पत्र पर अमल करने में ज्यादा गंभीर है, लेकिन क्या सच्चाई इतनी अच्छी है? जी नहीं। लगभग 3.5 साल में सरकार ने कुछ घोषणाएं तो पूरी की, लेकिन कई घोषणाएं अभी भी फाइलों में जस की तस पड़ी हुई हैं। जो घोषणाएं पूरी नहीं हो पाई हैं, उनमें प्रमुख हैं बेरोजगारी भत्ता देना, प्रदेश में भ्रष्टाचार मुक्त पारदर्शी प्रशासन, ग्रामीण विकास, महिला कल्याण, समाज कल्याण, अल्पसंख्यक सैनिक कल्याण, पेयजल, पर्यटन, पुनर्वास, आपदा प्रबंधन जैसे कई मसले हैं, जिनमें अभी तक कुछ कदम तो उठाए गए हैं, लेकिन घोषणाएं पूर्ण रूप से पूरी नहीं हुई हैं। हालांकि प्रदेश के मुख्यमंत्री साफ कह रहे हैं कि हम कई घोषणाओं को काफी हद तक पूरा कर चुके हैं। रूलिंग पार्टी राज्य की सरकार से कह रही है कि आओ और पार्टी के सम्मुख अपने कार्य का ब्यौरा रखो, और मुझे बहुत खुशी है कि हमारे सब मंत्रीगण आए, क्योंकि हमारी पार्टी से संबद्ध हैं सीधे, और उन लोगों ने अपना अपना अकाउंट जो है बड़े विस्तार से रखा। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय का कहना है कि हमने घोषणा पत्र को लेकर मंथन शुरू किया है, आगामी सितंबर माह में गैरसैंण में घोषणा पत्र को लेकर फिर बैठक होगी, जिसमें सरकार के दावों की सत्यता परखी जाएगी। और कहीं इस तरह से मेरे ख्याल से हुआ भी नहीं है कि जिन बात वायदों को करके लोग राजनीतिक दलों को ये आशीर्वाद देते हैं कि वो सरकार बना करके जनता की सेवा करें, उसके बाद वो घोषणा पत्र सब जो है वो रद्दी की टोकरी में चले जाते हैं। वहीं बीजेपी घोषणाएं पूरी नहीं होने पर प्रदेश सरकार पर निशाना साध रही है।
बीजेपी का कहना है कि सरकार घोषणाओं को लेकर अपनी पीठ खुद थपथपा रही है, लेकिन अगर सरकार अपनी घोषणाओं पर नजर डाले तो कई घोषणाएं आज तक पूरी नहीं हुई हैं, और जो हुई भी है वो दम तोड़ रही है। ऐसा हरीश रावत जी का सिद्धांत यह है कि अपनी पीठ हम स्वयं नहीं थपथपाएंगे तो तब दूसरा कौन हमारी पीठ थपथपाएगा, और उसी सिद्धांत पर वो काम कर रहे हैं। हरीश रावत जी को चाहिए कि वो घोषणा पत्र को अपना ठीक से पढ़ लें। प्रदेश की कांग्रेस सरकार घोषणा पत्र को लेकर बड़े बड़े दावे कर रही है। सरकार का दावा है कि 70% घोषणा पत्र की बातें सरकार ने पूरी कर दी है, लेकिन अभी भी कई ऐसी घोषणाएं हैं जिनको छुआ नहीं गया है, और जो शुरू भी हुई हैं वो भी दम तोड़ती नजर आ रही है। ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि खुद ही अपनी पीठ थपथपा कर सरकार क्या 2017 का जंग जीत लेगी। कैमरामैन पवन के साथ मैं पंकज पवार, देहरादून समाचार प्लस। रुक करते हैं एक अहम खबर का। याकूब मेमन को फांसी दिए जाने के साथ ही उत्तराखंड में अलर्ट जारी कर दिया गया है। पुलिस महकमे के आला अफसरों की नजर देर रात तक दिल्ली में जुड़े घटनाक्रम पर थी। सुबह फांसी की घटना से पहले ही राज्य के प्रमुख और संवेदनशील जिलों के कप्तानों को खास निर्देश देने के साथ साथ अलर्ट जारी किया गया है। पुलिस के साथ ही इंटेलिजेंस यूनिटों पर विशेष दबाव है, किसी भी समूह विशेष के जुटने से पहले ही उसे रोक दिया जाए। तो याकूब मेमन की फांसी से पहले ही हाई अलर्ट जारी कर दिया गया था। बता दें आपको, उत्तराखंड में सभी संवेदनशील जगहों पर नजर रखने की हिदायत दी गई है, निर्देश दिए गए हैं। याकूब मेमन को फांसी दिए जाने के बाद उत्तराखंड में भी अलर्ट जारी किया गया है। राज्य की पुलिस ने उधम सिंह नगर, हरिद्वार और देहरादून जैसे जिलों को संवेदनशील माना है। इंटेलिजेंस यूनिट ने भी एक अलर्ट जारी किया है और ऐसे संवेदनशील स्थानों पर खास निगाह बनाने को कहा है जहां फांसी विरोधी या फांसी समर्थक आ सकते हैं। कोशिश इस बात की भी जा रही है कि ऐसे संगठनों को सूचना पहले से ही प्राप्त कर ली जाए ताकि कोई वारदात होने से पहले या लोगों को जमने से पहले ही एक्शन लिया जा सके। आज ही हरिद्वार के चुड़ियाला में सरकार की राज्य कैबिनेट भी होनी है, जिसको लेकर भी खासा अलर्ट होने के साथ साथ पुलिस अफसरों ने खासा मंथन दोबारा कर एक्शन प्लान तैयार किया है। कैमरामैन उपेंद्र के साथ सुदीप जैन, देहरादून समाचार प्लस। पंजाब के गुरदासपुर में हुई आतंकी वारदात के बाद प्रदेश पुलिस अपने आप को तमाम तरह से सुधारने में जुट गई है। स्वाट फोर्स बनाने के साथ साथ अत्याधुनिक हथियार खरीदने की तैयारी की जा रही है, लेकिन आप सुनकर हैरान रह जाएंगे कि सिर्फ फाइलें निपटाने वाले आईपीएस अफसरों के पास AK-47 है और भीड़ से निपटने वाले थानाध्यक्ष कार्बाइन के भरोसे हैं। खुद प्रदेश के डीजीपी स्वीकार कर चुके हैं कि कई संदिग्ध उत्तराखंड में आने की चेष्टा कर रहे हैं। अब पुलिस महकमा करीब 20 वर्षों के बाद पंजाब में दोबारा आतंकवाद की एंट्री पर चिंतित है, लिहाजा नए सिरे से जिलों को दिशा निर्देश भेजे जाने के साथ साथ स्वाट फोर्स बनाने का काम शुरू हो गया है। लेकिन ये सुनने में अटपटा लगता है कि थाना अध्यक्ष, जो कि सीधे तौर पर अपने इलाके के लिए जिम्मेदार है, कार्बाइन जैसे पुराने और कमजोर असले के भरोसे है, जबकि पुलिस मुख्यालय या दूसरे दफ्तर आकर फाइलें निपटाने वाले अफसर AK-47 लेकर चल रहे हैं, जबकि खतरे से लेकर जिम्मेदारी पहले कहीं ज्यादा थाना अध्यक्ष स्तर के अधिकारी के पास है। कोई भी अगर अटैक होता है तो बेसिकली होता वो बॉर्डर के थ्रू ही है, और बॉर्डर में जो भी पुलिस है अवेलेबल, जो भी पुलिस होती है, जो भी कंसर्न थाना इंचार्ज है या जो भी अधिकारी है, उसके पास सोफिस्टिकेटेड वेपन्स होते ही नहीं है। यही मेन कारण होता है अगर इनको वहीं कन्फ्रंट करके रोक दिया जाए। जब हमारी पुलिस के पास अगर अच्छे वेपन्स ही नहीं होंगे तो कैसे लड़ाई लड़ेंगे आतंकवादियों के साथ। डीजीपी बीएस सिद्धू इस विषय पर कहते हैं कि पूर्व में AK-47 निजी लोगों को भी मुहैया कराई जाती थी, जिसे वापस लिया जा रहा है। हालांकि अधिकतर थानों को AK-47 दे दी गई है। के AK-47 जो है वो कई प्राइवेट इंडिविजुअल्स को भी सैंक्शन थी, लेकिन हमने धीरे धीरे वो सबसे विदड्रॉ कर ली है, और हमारा इस समय यही प्रयास है कि AK-47 की राइफलें जो है वो थाना लेवल के ऊपर सबको वितरित की जाए। आपात स्थिति या अनहोनी की दिशा में चूक करने वाले थाना अध्यक्ष
निलंबित से लेकर सस्पेंड होते रहे हैं, जबकि अफसरों को नोटिस तक नहीं मिलता। तो क्या असलहे शान और शौकत के लिए दिखाए जाएंगे या फिर इन्हें जरूरी स्थान मिलेगा? पंजाब में हुई आतंकी वारदात के बाद भले ही राज्य का पुलिस महकमा अब अपनी नई स्वाट फोर्स बनाने की तैयारी में हो, लेकिन सवाल ये उठता है कि तकनीकी तौर पर पुलिस को दक्ष कब बनाया जाएगा? स्वाट फोर्स भले ही बनेगी, लेकिन फर्स्ट रिस्पॉन्डर यानी एसओ कैसे बेहतरीन नेटवर्किंग के साथ साथ अपनी कार कुशलता और दक्षता को दिखा पाएंगे? क्या कार्बाइन और छोटी एमएम पिस्टल लेकर ही वो मोर्चा लेंगे या फिर AK-47 जैसे संपन्न असलहे से उन्हें लैस किया जाएगा? कैमरामैन उपेंद्र के साथ सुदीप जैन, देहरादून, समाचार प्लस। हल्द्वानी के बीच बाजार में अजगर निकलने से हड़कंप मच गया। यह अजगर 13 से 15 फीट लंबा है और इसका वजन 20 से 25 किलो है। मंगल पड़ाव चौकी के ठीक सामने अचानक दुकानदारों को अजगर दिखा, फिर क्या देखते ही देखते अफरा तफरी मच गई। अजगर एक मटके की दुकान में जा घुसा। स्थानीय दुकानदारों ने वन विभाग को सूचना दी। इसी बीच अजगर निकलने की खबर से बीच बाजार में अजगर देखने के लिए भारी भीड़ उमड़ पड़ी। अंत में भीड़ में अजगर को पकड़ने में दिक्कत देख वन विभाग को पुलिस की मदद लेनी पड़ी और करीबन एक घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद वन विभाग अजगर को पकड़ने में सफल रहा। ये इंडियन रॉक पाइथन है। इसकी लेंथ 10 प्लस है और इसका वेट भी 20 प्लस ही है, 20 केजी प्लस। इसे पकड़ने में काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी, जैसे कि आप सभी लोगों ने देखा। हमारे साथ पुलिस का पूरा सहयोग रहा, वन विभाग की टीम है, हमारी पूरी टीम है और पुलिस ने बहुत अच्छा सहयोग दिया। पुलिस के सहयोग से भीड़ हटी, क्योंकि स्थानीय जनता इतनी भीड़ इकट्ठा कर ली थी, अगर पुलिसिंग नहीं आती तो बहुत मुश्किल होता इसे पकड़ने में। अभी 2 घंटे लगे तो सिर्फ 4 घंटे भी लग सकते थे। छात्रों और शिक्षकों की कमी के चलते अल्मोड़ा में 59 विद्यालय बंद हो गए हैं और लगभग 273 विद्यालय बंद होने की कगार पर हैं। कुल 273 विद्यालय तो ऐसे हैं जिनमें छात्रों की संख्या 10 से भी कम है और 95 विद्यालय ऐसे हैं जिनमें 5 से कम छात्र हैं। इन तस्वीरों में सरकार की शिक्षा नीति पर ही सवाल खड़े हो रहे हैं। राज्य कर्मचारी घोषित करने समेत 3 सूत्रीय मांगों को लेकर 2 हफ्ते से बाल विकास कार्यालय में अनिश्चितकालीन धरना दे रही आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों ने अब क्रमिक अनशन शुरू कर दिया है। आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों ने अनशन स्थल पर ही प्रदेश सरकार के विरोध में नारेबाजी की। विश्व प्रसिद्ध कैलाश मानसरोवर यात्रा का 8वां दल अपनी यात्रा पूरी वापस करके लौट आया है। 33 तीर्थयात्रियों के इस दल में 9 महिला तीर्थयात्री भी शामिल हैं। ये दल आज जागेश्वर में रात्रि विश्राम करेगा और कल वापस दिल्ली लौटेगा। केदारनाथ धाम को पॉलीथीन प्रदूषण मुक्त करने के लिए पुलिस, एनडीआरएफ और प्रशासन ने नई मुहिम शुरू की है, जिसके तहत समय समय पर पूरी केदारपुरी में सफाई अभियान की शुरुआत कर दी गई है। आज संयुक्त टीम ने केदारनाथ मंदिर परिसर के साथ ही बेस कैंप और पैदल मार्ग पर सफाई अभियान चलाकर कई कुंतल पॉलीथीन कचरा एकत्रित किया। टीम में लगभग 70 सदस्य शामिल हैं और चौकी इंचार्ज विपिन पाठक के नेतृत्व में अभियान चलाया गया। आज के जमाने में लड़कियां अब किसी भी क्षेत्र में किसी से पीछे नहीं है, ये साबित किया है हल्द्वानी की बेटी ने। प्रदेश के साथ साथ इन्होंने देश का नाम भी रोशन किया है। प्रदेश की 2 लड़कियां दिल्ली में होने वाली कॉमनवेल्थ कराटे चैंपियनशिप के लिए चुनी गई हैं। इनमें से हल्द्वानी की कंचना भी हैं, जो अब तक देश विदेश में कई मेडल जीत चुकी हैं।